हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद प्रियांश। आज हम सीखने वाले हैं कि हम पाइथन के थ्रू बर्ड क्लाउड कैसे बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि हम कुछ यही पढ़ेंगे दो मॉड्यूल। ओके, तो चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे हमको कमांड देनी है पिप इंस्टॉल बर्ड क्लाउड। ओके, ये हमारा एक मॉड्यूल है जो हमको डाउनलोड करना है। तो ये हमने कमांड दे दी, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता देगा। इसके बाद हमको एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। ओके, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कमांड पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। जिनको अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं स्क्रीन पर बड़े वर्ड्स में लिख दूंगा। ओके, कैपिटल फॉन्ट्स में, सॉरी लार्ज फॉन्ट्स में लिख दूंगा। देख पा रहे हो, ये भी डाउनलोडेड बता रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसके बाद चलना है हमको हमारे सबलाइम पे। यहाँ पे हम लिखना है फ्रॉम वर्ड क्लाउड इम्पोर्ट वर्ड क्लाउड। ओके, कैपिटल में लिखना पड़ेगा डब्ल्यू और उसका सी। वर्ड क्लाउड का हमें कैपिटल में डब्ल्यू भी लिखना है, सी भी लिखना है, और ये हमें करना है एक स्टॉप वर्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं स्टॉप वर्ड्स लिख देता हूँ, ये कैपिटल में लिखना है आपको ये भी। ओके, ये क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में, तो इसको मैं यहाँ पे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करनी है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी। ओके, क्योंकि इसको हम हमेशा पी एल टी के नाम से ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ओके, इसके बाद हम स्टॉप बर्ड को यहाँ पे करा लेते हैं इनिशियलाइज सेट के अंदर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इस वजह से कि यार, क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीट ना हो, जैसा कि आपको पता है कि सेट में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ सेट में इसको इनिशियलाइज कराऊँगा तो जो हमारे वर्ड्स रहेंगे वो सारे सिंगल रहेंगे, समझ रहे हो आप, कि वो रिपीट नहीं होंगे, इस वजह से हम उसको सेट में कन्वर्ट करा रहे हैं। उसके बाद मैं एक फाइल को करा लेता हूँ ओपन, मैं आपको दिखा भी दूंगा उस फाइल में क्या कंटेंट है। तो मैं लिखता हूँ फाइल इक्वल ओपन, उस फाइल का नाम है टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। तो मैं उसे रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आर दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ उस फाइल में क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, यहाँ पे लिखना मुझे फाइल डॉट रीड। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल डॉट रीड लिख देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो क्या होगा, देख पा रहे हो आप, हमारे सामने फाइल का सारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। इफ़ यू नीड टू क्रिएट ए नेम ऑफ ए प्रोजेक्ट, तो ये सारे वर्ड्स का एक हम वर्ड क्लाउड बनाने वाले हैं। मैंने रेंडमली टेक्स्ट उठाया हुआ है और कुछ नहीं किया। ओके, इसके बाद मैं वर्ड क्लाउड नाम का बनाऊंगा एक वेरिएबल, इसमें मैं वर्ड क्लाउड फंक्शन को करूंगा यहाँ पे इनिशियलाइज, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा विड्थ। ओके, कि हमारा जो वर्ड क्लाउड की जो इमेज रहेगी उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो मैं 800 दे देता हूँ विड्थ इसकी, और हाइट भी दे देता हूँ 800। उसके बाद हमें पास करना है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर लिखना है हमको यहाँ पे। उसके बाद हम आप कलर का RGB फॉर्मेट में पास कर सकते हो, या फिर उसका डायरेक्ट नाम भी दे सकते हो। तो मैं डायरेक्ट नेम दे देता हूँ ब्लैक। ओके, मैं ब्लैक दे देता हूँ, आप चाहो तो वाइट वगैरह जो भी देना चाहो दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है पर, लेकिन ओके। इसके बाद स्टॉप वर्ड में मैं स्टॉप वर्ड को ही पास कर देता हूँ, जिस वजह से कि जो हमारी नीचे आप जो लाइन्स देख रहे हो ना, उनमें कोई वर्ड अगर दोबारा रिपीट हो रहा हो तो रिपीट ना हो। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे देना है मिनिमम फॉन्ट साइज़। आप चाहे तो कि यार नहीं यार, जो फॉन्ट साइज़ हो मिनिमम वो 10 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 2 से 5 आप जो देना चाहो, या 20 आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा करके। उसके बाद एक मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ भी होता है, तो मैं अभी वो आपको करके नहीं दिखा रहा, वो आपके हिसाब से देख लेना आपको जब ज़रूरत उसकी पड़े। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है डॉट जनरेट। ओके, तो जनरेट करने के लिए है वर्ड क्लाउड, हमें यहाँ पर लिखना है जनरेट। उसके बाद हमें हमारी फाइल को पास कर देना है। तो ये वर्ड्स कहाँ पे हैं, ये इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइल डॉट रीड। इसको हम यहाँ पर लिख दें फाइल डॉट रीड। रीड फंक्शन हम यहाँ पर कर देंगे पास। ओके, तो इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट ये वाला यहाँ पे पास हो जाएगा वर्ड क्लाउड फंक्शन के अंदर। उसके बाद अब हमको जनरेट करनी है एक इमेज, तो इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा plt.imso। ओके, यहाँ पे लिखें plt.im फॉर इमेज, ठीक है imso, इसमें हम कर देंगे हमारे वर्ड क्लाउड को पास। उसके बाद जैसे मैं plt.so लिखूँगा तो देखना हमारे सामने क्या मैजिक होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा plt.so, ओके, देख पा रहे हो आप। अब मुझे करना है इस प्रोग्राम को रन, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो,
देख पा रहे हो आप हमारे सामने हमारा वर्ड क्लाउड बन के आ चुका है, लेकिन अभी यार इसमें देख पा रहा हो साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे सामने शो हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे शो हो। ओके तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक्सिस को ऑफ कर देंगे, तो लिखना पड़ेगा plt.axis और इसके अंदर हम ऑफ फास्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा हमारे सामने एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं होंगे या शो नहीं होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑफ पास किया, प्रोग्राम को मैंने कर दिया दोबारा रन, तो देखो अब क्या होता है हमारे सामने। तो देख पा रहे हो आप हमारे सामने जो हमारे एक्सेस ए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस थे वो सामने चले गए। देख पा रहे हो आप वर्ड्स को, कुछ स्मॉल साइज में है, कुछ कैपिटल साइज में, बड़े एक वर्ड क्लाउड बन के आ चुका है, देख पा रहे हो आप। तो आप चाहो तो मैक्सिमम साइज भी दे सकते हो, मैं वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ, अब आपको दिखा देता हूँ वाइट बैकग्राउंड में कैसे लगते हैं, आप चेंजेस आपके हिसाब से करके देख सकते हो, ठीक है, इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाइट ब्लैक जो देखना रखना चाहो, देखो वाइट में ही ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 दी थी, अब मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके तो देख पाओगे कि आप जो पहले और जो छोटे वर्ड्स थे अब वो कैपिटल ही रहेंगे। तो मैंने इसको दोबारा रन किया, तो देखते हैं, देख पा रहे हो अब आपको यहाँ पे कोई भी 10 साइज़ का कोई भी यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई नहीं देगा, सभी 20 साइज़ के रहेंगे मिनिमम। ओके बाकी अलग अलग साइज़ के हैं आप देख पा रहे हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।